अभी ना मेरा सही में मेरा दिल ऐसा हो रहा है ना, अंदर से धक 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 कहीं गिरा उड़ाने थे खाई में। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी हो रहे सुबह के 5 बज रहे सुबह के अभी, और रात का सीन कुछ ऐसा है, मैं और शेयर जा रहे हैं आज मसूरी घूमने, एक स्मॉल राइड मारने। तो फटाफट मैं रेडी होता हूँ, मिलता हूँ रोड पे। 5 hours later. गाइस फाइनली इतना वेट कराने के बाद ये आखिरकार पहुंची गई है 5 घंटे बाद। हाँ भाई, लेट लतीफ। तो गाइस जब हम आधे रास्ते पहुंचे हैं और यहाँ तो रोड की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही थी। लैंड स्लाइड देख सकते हो आप कितने खतरनाक तरीके से हो रही थी। तो गाइस जब हम लोग मसूरी के आधे रास्ते में पहुंचे हैं और यहाँ पे बहुत ही मस्त मौसम हो रहा है, ठंडा हो रहा है बिल्कुल। और तुम व्यू चेक करो पीछे, अभी हम लोग वहाँ ऊपर जाना है, वहाँ पे ऊपर कहीं पहाड़ों में, वहाँ जाके हम गेड़े मारेंगे। तो मिलते हैं आपसे पहाड़ों में ऊपर। सो फाइनली गाइस हम लोग मसूरी पहुँच चुके हैं और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हाँ भाई सामने तो गाइस फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं माल रोड मसूरी में, और यहाँ पे व्यू इतना सही हो रखा है ना सुबह सुबह भयंकर, ना कुछ ज़्यादा भीड़ है ना कुछ। और ये देखो अपने चिल करते हुए लोग लौंडे यहाँ पे। गाइस गाइस मसूरी के मॉल रोड पे घूम रहे हैं, कोई कैफे की तलाश में। सारे सुबह सुबह सारे दुकान बंद है यार, क्या करना है आगे से। तो गाइस सागर तो पता नहीं कहाँ पीछे छूट गया था शूज़ वगैरह के लिए, अब वो देखो। क्योंकि अभी ना ढाबे वाला मन कर रहा है खाने का, एक्चुअली नॉट अ कैफे वाला खाना, ढाबे में आलू के पराठे सुबह सुबह। और मैं चाय तो नहीं पी थी, बट सागर चाय पीता ना? नहीं भाई, मैं भी नहीं पीता चाय। Oh my God. So, कोई नहीं, चाय नहीं तो कोल्ड ड्रिंक को। So, finally guys, वेट करते करते हम लोगों को एक रेस्टोरेंट मिल गया खाने के लिए, बहुत ही बड़े रेस्टोरेंट है। So, guys, हमारा खाना आ चुका है, मतलब ब्रेकफास्ट, दो आलू के पराठे, एक मूली का पराठा, चाय जो अपनी फेवरेट है वही माउंटेन ड्यू। फिर तेरी तबीयत खराब हो ना फिर तेरे को मैं बताऊंगा देख। तो गाइस हम खाते फटाफट से ये खाना, तो मिलते आपको किमाड़ी वाले रोड पे। और अब खाना खा के हम निकल चुके हैं किमाड़ी की तरफ। आए थे मसूरी के मेन रोड से, जा रहे हैं हम किमाड़ी की तरफ से, क्योंकि आज वैसे भी संडे है तो ट्रैफिक ज़्यादा होगा ना, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा यहीं से चलते हैं पिछाड़ी रोड से। सो गाइस हम लोग जा ही रहे थे किमाड़ी वाले रास्ते से घर, लेकिन हमको बीच में एक व्यू दिखाना, बहुत ही प्यारा व्यू है यार कसम से। देखो वो ऊपर है जॉर्ज एवरेस्ट, और सामने ये पता नहीं, मुझे नहीं पता कौन सा पहाड़ है वहाँ। देखो सामने लोगों ने कैंपिंग भी कर रखी है, शाम भी करेंगे यार कैंपिंग, ठीक है? कब करेंगे, कितने जल्द जवाब चाहिए बता। सो गाइस तुम्हें एक भयंकर चीज़ बताता हूँ भाई, अभी हम लोग यहाँ फोटो फोटो खिंचा रहे थे किमाड़ी में, और यहाँ पे सीन क्या हुआ, फोटो खिंचा रहे थे, इसके दिमाग में पता नहीं कहाँ से बात आई, अब जिद कर रही कि इसे बुलेट चलानी है यार पूरी, मैं बुलेट चलाऊंगी, मैं लेके जाऊंगी तेरे को नीचे तक पूरा सप्लाई तक, चला लेगी शाह। मैंने चला रही थी भाई किमाड़ी, है तेरे अंदर इतना दम भाई, वो बोलते ना मेरी वाली रोड है ये, मेरी वाली रोड है, मैं बहुत बार आ रही थी यार बुलेट चला रही थी, मैंने किमाड़ी रोड में गंदे रास्ते में भी चला रही थी। तो गाइस डर तो मुझे लग रहा है इसे देने में, लेकिन क्या करें, रिस्क तो उठा ही सकते हैं ना, ढंग से चला लो तेरे को पहले, अगर हम गिरे, सुन सुन अगर मैं गिरा ना मेरे घुटने छिले अगर, तो तू मेरे रास्ते गई, ठीक है? तो गाइस फाइनली डिसाइड कर ही लिया कि यही चला रही बुलेट, स्टार्ट तो तुझसे हो नहीं रही, तू क्या चलाएगी बुलेट? ग्रिप की क्या बात है, किक मारना जोर से मार, जान लगा। सो गाइस फाइनली इस कमज़ोर लड़की ने मेरी बुलेट स्टार्ट करी थी, अब तुम देखना इसकी ड्राइविंग। सो फाइनली गाइस जिसने गाड़ी भी स्टार्ट करी थी चला भी रही है भाई, दिल भी ऐसा हो रहा है धक धक धक, आराम से। ओ हेलो, उसमें हॉर्न नहीं है, हॉर्न खराब है उसका, आराम से चलेगी।
गाड़ी चला रहे थे, इसको बहुत सही रिएक्शन आ रहा है। अंकल आंटी हो गए हैंड कर, इतना तो मुझे भी नहीं आता शहर ना। सर हमने राइडिंग जैकेट पहन रखी, सब कुछ कर रखा, फिर भी कोई रिएक्शन ही नहीं आ रहा भाई। लोग देख के वहाँ मुँह करते रहे, वैसे देखो जरा भयंकर, सब लोग सही देख रहे हैं। कुछ मत कर भाई, तू गाड़ी चला जाते हो गए। यहाँ पे इसके पीछे बैठे बैठे मुझे हो गए एक घंटा, अभी देख इसने 2 किलोमीटर रिकवर कर रखा है। घंटे क्या कहेंगे आप? हाँ कि मेरी हॉर्न नहीं लगा रखा, तब तो डर लगेगा ना ऑब्वियसली। सो गाइस अभी जाते जाते रास्ते में हम लोग हो गए छोटा सा, पता नहीं इसे गांव बोलेंगे क्या बोलेंगे, कम्युनिटी बोलेंगे, जो भी कुछ बोलेंगे। पर ये देखो ना कितना प्यारा लग रहा है यार, सारे लोग मिलजुल के कैसे रह रहे हैं, सारे लोग पहाड़ के। ऐसे सीन देख के ना बहुत अजीब सा अंदर से वैसा फील होता है ना, बहुत अपना अपना पंसा है ना, अजीब नहीं अच्छा वाला, अब बहुत अच्छा फील होता है यार ये सब देख के ना, कि अभी भी लोग इतने प्यार से रहते हैं एक साथ, सारे पहाड़ी लोग यहाँ पे। गाइस इस लड़की ने फिर बेइज्जती करा दी हमारी, वहाँ की गाड़ी रुक रहे हैं दुकान के सामने, जान इतने सारे लोग बैठ रखे हैं भयंकर, सब हमको ही देख रहे, पता है एक दो नहीं मैं देखा कितने बैठ रहे, स्टार्ट भी नहीं कर पा। तो गाइस अभी बुलेट चला दी, मेरे को ऊपर से नीचे तो लेके आ गई है, लेकिन हमने यहाँ पे एक फोटोग्राफी करी है ना, वो फोटो में तुम्हें दिखाऊंगा वीडियो में, तो इतनी भयंकर फोटो आ रही है इसकी पेनों में। तो गाइस सीन अब ऐसा हो चुका है, यहाँ तो है रास्ता खराब, और यहाँ से ये तो नहीं निकाल पाएगी, तो अब निकालने कैसे पड़ेगा मुझे, तो मैं निकालता हूँ यहाँ से गाड़ी, और इसके आगे मैं ही चलाऊँगा फिर अब पूरा। ओह गाइस इसने सिर्फ अभी बुलेट ना मुश्किल से 2.5 या 3 किलोमीटर चलाया है, अपने हाथ दिखाई जरा, और उसके हाथ ख्याल देखो, ये डिफरेंस होता है नूब में और प्रो में, ठीक है। चल गाड़ी दे शांति से, आप बोलने पर मजबूर गाइस, मुझे खूब बोल रहा था ये बंदा और खुद यहाँ पे फंस गया, पर इतनी बेइज्जती ना, मैंने इसलिए नहीं बोला बीच में, क्योंकि ये होता है ना कि चलो व्लॉग बन रहा है, जिसके व्लॉग्स हैं उसकी बेइज्जती मत मारो, बट हद ही सिर पे चढ़ गया भाई। अभी जाते जाते हमें रास्ते में एक व्यू और मिला है जो कि बहुत ही फेमस है यहाँ धरत के माड़ी में, देखो क्यूट तो है, लेकिन मुझे इस बात का डर है मुझे काट ना ले कहीं। सो गाइस फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर की तरफ, और इस वीडियो को भी करते हैं एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट डाउन करके बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी। बाय बाय।